आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मूली के कोफ्ते हम बनाएंगे और इनका टेस्ट इतना ज़बरदस्त बनेगा कि बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे हमने इसमें गोश्त को इस्तेमाल किया है तो वीडियो को जरूर एंड तक वॉच करें और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें जजाकल्ला बिसमिल्लर असलम आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस एफ किचन कलेक्शन अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम सबको अपने हिफ्सों मान में रखें अपनी इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं अपनी आज की रेसिपी का तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है मूली तकरीबन आधा किलो और उसमें थोड़ा सा हमने जायफल और जावती डाल के इसको बॉईल कर लिया है अब इसका पानी मूली का हम नचोड़ लेंगे अच्छे से यहाँ पे हाथ की मदद से आप इस तरह कपड़े में डाल के इसको नचोड़ लें अगर आप इसको नहीं निचोड़ेंगे तो बेसन का इस्तेमाल जो है वो हमें थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा इस रेसिपी में तो आधा पाव के करीब दाल थी इसको हमने तीन से चार घंटे के लिए भिगो दिया था और इसको अब हमने बारीक कर लिया और कुछ मसाले शामिल कर दिए हैं मसालों में हमने नमक मिर्च हल्दी थोड़ा सा जीरा अजवाइन और प्याज़ चॉप करके शामिल किया है सब्ज़ मिर्ची और सब्ज़ धनिया शामिल किया है तफसील से आप इस वीडियो को देखने के लिए पिछली वीडियो को मेरे को वॉच कर सकते हैं तो जी ये देखें अब यहाँ पे सारे मसाले को हमने रेडी कर लिया है और इसमें बेसन का भी हमने इस्तेमाल किया है तकरीबन एक कप इससे ये होगा कि जब हम इनको फ्राई करेंगे कोफ्तों को तो ये खुलेंगे नहीं तो देखें जी यहाँ पर हमने रेडी कर लिए हैं ये इससे ज़्यादा बने थे लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़े ही आप लोगों को दिखाए हैं तो इनसे हम हम सालन रेडी करेंगे कुछ जो है वो वैसे खा लिए गए तो ये देखें घी गर्म हुआ है जैसे ही तो हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है तो बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आने पर हमने इनको निकाल लिया है और अब तैयारी करते हैं हम ग्रेवी बनाने की तो सबसे पहले हम घी गरम करेंगे तो गरम घी में हमने शामिल कर दिया है दो मीडियम साइज के प्याज तो इनको अब हल्का सा हम पिंक कलर देंगे और जैसे ही इनमें थोड़ा कलर आएगा तो अब हम इनको फिर निकाल लेंगे तो निकालने के बाद क्या करेंगे तो ज़रूर वीडियो को एंड तक वॉच करें और वीडियो को बिना स्किप किए वॉच करें ताकि आपकी रेसिपी भी बिल्कुल परफेक्ट बने तो ये देखिए प्याज जो है वो जिस तरह का चाहिए था हमें उसने कलर ले लिया है अब हम उसको इस तरह से निकाल लेंगे तो प्याज को निकाल के अभी हम साइड पर कर लेते हैं और प्याज के थोड़ा ठंडे होने पर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे तो अब घी में हम शामिल कर रहे हैं थोड़ी सी अजवाइन थोड़ा सा ज़ीरा और लौंग डाल के हमने यहाँ पर कटका लिए हैं और जैसे ही थोड़ा सा ये कलर चेंज करेंगे तकरीबन थर्टी से फोटी सेकंड तक हम इनको यहाँ पे घी में इस तरह से फ्राई करेंगे फ्लेम इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे और साथ ही हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है और इसका कच्चा पान खत्म होने तक इसको हम थोड़ा फ्राई करेंगे अच्छे से और इसके बाद अभी जो हमने प्याज निकाला था उसमें ही हमने सब्ज़ मिर्चें और टमाटर डाल के उसको ग्राइंड कर लिया है यानी प्याज सब्ज़ मिर्चें और टमाटर वो मिक्सचर अभी हमने यहाँ पर शामिल कर दिया है और अब हम करेंगे इसकी भुनाई तो थोड़ी देर इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे तो उसके बाद जो है हम इसमें शामिल करेंगे रेगुलर मसाले तो यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो वॉच कर चुके हैं तो ज़रूर वीडियो को एंड तक वॉच करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें तो जी देखिए मसाला जो है वो बहुत अच्छे से भुन रहा है यहाँ पे तो इसमें अब मसाले शामिल करेंगे मसालों में सबसे पहले हल्दी लाल मिर्च का पाउडर थोड़ी सी दादर मिर्च वन टेबल स्पून खुश्क धनिया और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से हम यहाँ पर शामिल करेंगे तो मसाले डालने के बाद दोबारा से हम इसकी भुनाई करेंगे तो इससे सालन का टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा बन जाएगा तो सालन को मज़ीद हम इसको अच्छा सा खुशबू इसमें आए और भुन बहुत अच्छे से भुन जाए तो हमने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया ताकि ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छे से बने अभी दोबारा से हम इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन दो से तीन मिनट तो देखें जी मशाला से पानी जो भी हमने डाला था वो ड्राई हो चुका है और मशाला से बहुत अच्छा सा कलर जो है वो मसाले में आ गया है और अब जो है हम इसमें शामिल कर देंगे कोफ्ते जो भी हमने फ्राई किए थे और इसके साथ इसकी दोबारा से भुनाई करेंगे तकरीबन दो से तीन मिनट ही तो आप इसे ज़्यादा भी इसमें शामिल कर सकते हैं कम भी शामिल कर सकते हैं आप अपनी फैमिली के हिसाब से इसको बना सकते हैं तो पहले हमेशा थोड़ी रेसिपी को बनाए परफेक्ट बने आपसे या आपसे कोई गलती हो ताकि आपको पता चले कि हमसे क्या गलती हुई थी तो जब आप दोबारा उसको बनाएं तो बिल्कुल आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने तो जी ये देखें यहाँ पे आप इसको इस तरह से ग्रेवी में भी रख सकते हैं और मैंने थोड़ा सा इसको पानी लगा दिया ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इस सालन को कैसे खाना चाहते हैं ग्रेवी के साथ या थोड़ा शोरबे के साथ तो कोई इशू नहीं है तो जी शोरबा आप और भी लगा सकते हैं तो अब इसको हम अच्छे से पकने देंगे थोड़ी देर इतना के पानी जो है वो अच्छे से पक जाए तकरीबन दो से तीन मिनट और उसके बाद जो है हम इस पर शामिल कर देंगे इसमें कटा हुआ धनिया सब्ब मिर्चें कुछ भी आप यहाँ पे शामिल कर सकते हैं गरम मसाला जो आपको पसंद हो और फ्लेम जो है वो बिल्कुल कम कर देंगे और इसको आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए ढाँप सकते हैं ताकि जो हमने अब मसाले डाले हैं उनका टेस्ट जो है वो अच्छे से सालन में आ जाए तो जी इसके बाद देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी की फाइनल लुक ये बहुत ही मज़े के बने थे आप लोग यकीन नहीं कर पाएंगे कि इनको हमने मूली से बनाया है और थोड़ी सी दाल और बेसन का इस्तेमाल किया है इतने टेस्टी बनेंगे बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे आपने इसमें गोश्त वगैरह का इस्तेमाल किया है तो मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो और छोटी सी रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर मेरी आज की वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके जजाक